डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलजेब्रा का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा और पहली बार पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट लाइफ में पहली बार इस चीज़ को सीखेंगे। इस चीज़ को पहली बार सीखोगे इस नाते इस वीडियो को अंतिम तक लास्ट मिनट तक देखना, भगा भगा के बिल्कुल मत देखना, क्योंकि सीरियस रहोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। समझ गए ना? अच्छा, आ जाते हैं सवाल की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं आपसे कहूँगा चैनल वैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी की बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा हमेशा मिलता रहे। ठीक है बेटा, चलिए अच्छी बात है। x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू एन दिया हो, आपको लगेगा ये तो पुराना, ना 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 पुराना नहीं बेटा, तो आपको वैल्यू बताना है पी एक्स अपान क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस क्यू का मान, इसका मान आपको बताना ही बताना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, वैल्यू वैल्यू दिया हुआ है, सब चार वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर ये वाला है, आप हल करो, कॉपी पेन निकालो, अपनी मर्जी से हल करो। देखो पी एन प्लस आर पी अपान आर एन प्लस क्यू और क्यू अपान एम प्लस पी। ठीक है, अब जरा ये देखिए, देखिए कैसे होगा, घबराना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने तरफ से कोशिश कर लीजिए पहले, उसके बाद जब आपसे नहीं बन पाए तो मेरी कोशिश आप फॉलो कीजिए, ट्राई करिए, उसके बाद फॉलो कीजिएगा मुझे। देखिए इसका वैल्यू निकालने का जो कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूँ, इसका यहाँ गुणा कर दो फिर इसका यहाँ गुणा कर दो, मतलब नीचे का इधर गुणा और नीचे वाले का इधर गुणा। यहाँ पर गुणा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर गुणा होगा एन एक्स। बस एक लाइन का काम करना था इसमें, केवल एक लाइन। अब हम इस पर आ जाएंगे। अब देखो ऊपर वाला जैसे था वैसे रहने देंगे, नीचे वाले यहाँ से और यहाँ से, ध्यान देना मेरी बात को, मेरी बात पे ध्यान दो, क्यू और क्यू कॉमन ले लो, ले लिया, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा प्लस वन। अरे तुम बीच वाला कहाँ लिखोगे, बीच वाला आर एक्स को लास्ट में लिख दो, क्लियर हो गया। अब आप आगे देखिए, ऊपर वाला रहने दीजिए, क्यू ब्रैकेट में इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसकी जगह पर एन एक्स लिखेंगे और प्लस में आर एक्स। अब एक काम और करो, ऊपर जैसे था वैसे रहने दो, नीचे एक्स और एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लोगे क्या बचेगा, क्यू एन, क्यू एन प्लस आर, बाकी एक्स और एक्स कट गया, क्या बचा पी अपॉन क्यू एन प्लस आर। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल गया पहला वाला, पी अपॉन क्यू एन प्लस आर। एक बार रिवाइज कर लो इसको, अच्छे से रिपीट कर लो, क्योंकि इतना बेस्ट चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, पॉलिटेक्निक की तैयारी कराने वाले आपको कभी बताएंगे ही नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। मैं इसी कॉन्सेप्ट पर अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप लोग इसे करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, सभी लोग सीखें, सभी लोग आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक्स माइनस वन, यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से ए टू जेड नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए, यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए,
पर 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए। पीडीएफ क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सलूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 8180 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे किसी कोचिंग सेंटर पर किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। x = n तो बता देना है px / qx² देखो, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए सारे लोगों को। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है बेटा। p/qn + r आप करिए, आपके लिए काम हो गया है। आप करिए q/pn + r p/rn + q q/rn + p। देखिए कैसे करना है इसको, जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ठीक वैसे ही करना है, कुछ नया करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना बेटा। देखो इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर देना, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं px / इसमें और इसमें q कॉमन ले लो, x² - 1 और बीच वाला अंतिम में लिख दिया, फिर ऊपर तुम जैसे था वैसे रहने दो, फिर क्यों इसकी जगह पर देखो इसका वैल्यू nx + rx। अब px / यहाँ px है, यहाँ bx है, हर जगह x है, तो x कॉमन ले लो, क्या बचेगा qn + r। x कट गया तो p/ क्या हो गया qn + r, तो यही वाला ऑप्शन इसका भी सही होगा, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि जब इस तरह का कंडीशन दिया हो तो आपको इसी तरीके से हल करके इसका आंसर लाना है। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेता हूँ जिसमें न्यूमेरिकल होगा, केवल न्यूमेरिक होगा, इस तरह का ऑप्शन नहीं रहेगा, वो केवल डिजिट में रहेगा, तो आप उसको ज़रा चेक करना, देखना कि वो आपके बस का है कि नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो, देखिए आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा जैसे ही मैं दूंगा, ठीक है ना। x + 1/x = 9 99 है, ठीक है। तो 100x / 2x² - 2x² + 102x + 2 का मान बताओ, ठीक है बेटा। 1/4, 1/6, 1/2, 1/3, मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये आज की वीडियो का तीसरा नंबर सवाल है। करना कैसे है, यहाँ पे गुणा, फिर यहाँ पे गुणा, x² + 1 का वैल्यू 99x होगा, इसमें रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ।
ये काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है, ठीक है? रिप्लाई कीजिएगा कमेंट में और हमें बताइएगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। आया तो फिर आंसर कितना आया ऑप्शन में डाल दीजिएगा कि ऑप्शन ए 1/6 2/2 जो भी है बताइएगा, ठीक है? इसके पहले 2 सवाल बताया हूँ, उसी कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके पर ये डिपेंड है। थैंक यू बेटा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल मैथ मंडी और एम सॉल्यूशन।